सबसे पहले सबको जय हिंद। यहाँ उपस्थित मेजर जनरल जेएस बैसला साहब, जीओसी पूर्व यूपी और एमपी सबेरिया, ब्रिगेडियर राजीव नगियाल, कमांडेंट 39 जीटीसी, मंच पे उपस्थित विधायक जी और सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मेरा भी बहुत सौभाग्य है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं हमारे ब्रिगेड के इतिहास के बारे में चंद एक शब्द बताना चाहता हूँ। मैं 7 ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखता हूँ जो आजकल कानपुर में है, और 7 ब्रिगेड भारतीय सेना के सबसे प्राचीन ब्रिगेड से माना जाता है, जिसका अभी तकरीबन 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसके स्थापन के बाद। 1965 की लड़ाई में शहीद वीर अब्दुल हमीद का जो यूनिट है 4 ग्रेडियर्स, उस समय 7 ब्रिगेड के साथ ही था। 7 ब्रिगेड जो है भारत के इतिहास के सभी युद्ध में हिस्सा लिया है। 1947-48 के इंडो पाक वॉर, 1962 की लड़ाई, 65-71, इस प्रकार से सभी युद्ध में हिस्सा लेकर 7 ब्रिगेड ने हर युद्ध में कोई ना कोई हासिल किया है। और इन सभी युद्ध में 1965 का जो लड़ाई है उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो ये लड़ाई लड़ाया गया है, जिस प्रकार का जो बलिदान है, जिस प्रकार का जो वीर गाथा इस युद्ध में अब्दुल हमीद जैसे शहीद के कारण माना गया है, हम आज भी जो है 1965 की लड़ाई को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। असल उत्तर का जो लड़ाई है, आप लोग इसके बारे में जानते ही हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बताने नहीं चाहता हूँ, पर मैं यही कहता हूँ कि इस प्रकार के जो सर्वोत्तम बलिदान है वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ना सिर्फ वीर अब्दुल हमीद बल्कि हमारे देश में कई अन्य परमवीर चक्र से सम्मानित कई वीर सेना है, और इन सब का जो शहादत है आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं फिर से वीर अब्दुल हमीद के जो ट्रस्ट के जो आयोजक हैं, उनके प्रेसिडेंट श्री जमील आलम जी और इन सभी बाकी जो आयोजक हैं, इन सबको बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद की जो वीर गाथा है, इतने साल बाद भी आपने इसको जिंदा रखा है और ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे जो आज के युवा है, हमारी जो आज की पीढ़ी है, हमें ऐसे श्रद्धांजलि को भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं के कारण है कि जो आज हम लोग, हमारा देश इतना सर्वश्रेष्ठ है, हमारा देश आज इतना आगे बढ़ रहा है, और ऐसी श्रद्धांजलि, ऐसी वीर गाथाओं को अभी भी हमको बार बार याद करना चाहिए, ऐसे वीर योद्धाओं का नमन करना चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ का जो विद्यालय है, यहाँ के जो कॉलेज है, हम लोग विदेश के कई कई वीर सेनाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं, पर इनसे ज़्यादा जो हमारा जो श्रेय है, हमारा जो सम्मान है, हमारे देश के जो वीर सेना है, वीर सैनिक है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के जो लोकल स्कूल है, लोकल कॉलेज है, भारत की सेना के जो वीर सैनिक हैं, इनके बारे में पढ़े और अपने और अपने बच्चे और अपने आगे वाले युवाओं को इनके बारे में और पढ़ाएं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और मैं अभी भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस पावन भूमि पे यहाँ पे आया हूँ, और शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट और वीर अब्दुल हमीद की भूमि में आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।